हे hey दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में, जो कि है सेकंड पार्ट पिछले वीडियो का, जिसमें हमने कवर किए थे चार टॉपिक अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में देखते हैं बाकी के छह टॉपिक। इससे पहले ये वीडियो स्टार्ट करें, अपने देख लेते हैं पिछले वीडियो के चार टॉपिक जो की इस प्रकार के है। 1, अवॉइड रैंडमनेस। 2, एलिमिनेट नेगेटिविटी। 3, डू वन थिंग यू नो एंड 4, प्लान आउट द नेक्स्ट डे। तो ये जो चार टॉपिक थे अपने पिछले वीडियो में कवर किए थे, जो कि इस पार्ट का फर्स्ट पार्ट था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो वीडियो भी आप जरूर से देखें, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, जो कि है सेकंड पार्ट, फेमस पीपल से सीखे कि कैसे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। 5, रीड गोल बिफोर स्लीपिंग। Review your goals twice every day in order to be focused on achieving them. Les Brown। अपने गोल्स को अचीव करने पर फोकस करने के लिए उनकी हर दिन दो बार समीक्षा करें। मुझे यकीन है कि आप गोल्स की पावर को जानते हैं। मैं यहाँ पर इसे विचार नहीं कहूँगा। गोल सेटिंग पर हम डिटेल में एक अलग वीडियो अपलोड करेंगे, बट थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें इस वीडियो में भी जान लेते हैं। जस्ट लाइक ट्रैवलिंग, आप अपने एग्जैक्ट डेस्टिनेशन को जाने बिना आप कभी भी राइट डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ सकते। द पावर ऑफ ब्रोक के आर्थर डायमंड जॉन रात को सोने से पहले और जब वे सुबह उठते हैं तो अपने गोल्स को पढ़ते हैं। ऐसा करके वे खुद को याद दिलाते हैं कि उन्हें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए क्या करना है और इसके लिए उनको प्रोडक्टिव बनने के लिए नेक्स्ट डे अपने माइंड को कैसे कंडीशन करना है, इसमें मदद मिलती है। पर्सनल कोच ब्रायन ट्रेसी भी सेम प्रिंसिपल शेयर करती है, क्योंकि वे भी इनमें बिलीव करती है कि यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट मोस्ट ऑफ द टाइम, यू अचीव व्हाट यू थिंक अबाउट मोस्ट ऑफ द टाइम। आप ज्यादातर समय चीज के बारे में सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। आप ज्यादातर समय जो सोचते हैं उसे ही प्राप्त करते हैं। सो नींद में भी उन चीजों के बारे में सोचने के लिए आप माइंड को ट्रेन करें जो आप बनना चाहते हैं। सोच मुफ्त में है, थिंक इज फ्री, सो डोंट लिमिट योरसेल्फ। 6, एनोट अ मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड प्रेयर। जब जिंदगी की बात आती है तो महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या आप चीजों को मंजूरी देते हैं या आभार मानते हैं। टिम्बर्ट के चेस्टर्टन। बेंजामिन फ्रैंकलिन से हम बहुत सी चीजें सीख सकते हैं। मोस्ट फेवरेट वर्च्यूज मोरल पर उनका जोर देना है। उनके पास वर्च्यूज की एक लिस्ट है जो हर दिन अनुसरण करने की कोशिश करता है और मूल्यांकन करता है कि वह सुधार करता है या नहीं। सोने से पहले एवरी नाइट वे एक नोटेबल चीज खुद से पूछते हैं कि आज मैंने क्या अच्छा किया। वैसे ही एक सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए कि हम अपनी लाइफ में और दूसरों की लाइफ में क्वांटिटी कैसे चेंज कर सकते हैं, उनकी क्वांटिटी कैसे बढ़ा सकते हैं जिससे हमारा और उनका सबका फायदा हो। प्रेयर या ग्रेटिट्यूड के लिए एक अलग समय निकालना अपने मूड को सही करने में मदद करता है। और एक चीज ध्यान रखें कि जो चीज आज आपने की है उसके लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए। आप यह भी कर सकते हैं कि आप अपने घर पे सेफली पहुंचे उसके लिए थैंक्सफुल रहे और अपने रूम के स्विच एटमोस्फियर को एंजॉय करें। यह जान के आपके पास चांस है कि जो अन्य लोग पाने की कोशिश करते हैं वो कंफर्ट आप एंजॉय कर रहे हैं। 7, set things for tomorrow. The best preparation for tomorrow is doing your best today. एच जैक्सन ब्राउन जूनियर। अर्ली मॉर्निंग में भाग दौड़ करने से ज्यादा स्ट्रेसफुल और कुछ नहीं है। आपको पता चला कि आपने अपने अलार्म मिस कर दिया है, सो जो टाइम आपने खो दिया है उसे भरने के लिए आप जल्दबाजी करोगे, रेडी होने में जल्दी करोगे, ब्रेकफास्ट मिस कर दोगे, आप अपने आप पर अपनी फैमिली पर चिंताओगे और इसीलिए अपने पूरे दिन को बर्बाद कर लोगे। इसे सॉल्व करने का एक आसान तरीका यह है कि आप इसके लिए अग्नि नाइट को ही प्रिपेयर रहे और इस प्रिपेरेशन को डेवलप करने के लिए समय लगता है, बट एक बार आप जब इसे यूज करने लगोगे तो आप ये फील करोगे कि ये आपके सिस्टम का ही एक हिस्सा है। रात के समय के दौरान ही छोटी छोटी एडजस्टमेंट करने से एवरी नेक्स्ट डे मॉर्निंग के लिए आपको मोर प्रोडक्टिव बनने में हेल्प होगी। इट कैन बी प्रिपेयर ब्रेकफास्ट और लंच और डिसाइडिंग ऑन योर आउटफिट। बी काइंड एंड हेल्पफुल योरसेल्फ टुनाइट। 8, सेट एक्सक्लूसिव फैमिली रिचुअल रूटीन। जो बंधन आपके थ्रू फैमिली को जोड़ता है वह नर्ड में से एक नहीं बल्कि एक दूसरे की लाइफ में रिस्पेक्ट और खुशी का है। रिचर्ड बार्ज। आप अपनी मेमोरी में ट्रैवल करके वापस अपने हैप्पी टाइम को याद करना चाहते हैं, है ना? डिनर के बाद का टाइम शांत और आपकी लाइफ के वैल्यूएबल पीपल यानी कि आपकी फैमिली के साथ कुछ क्वालिटी टाइम शेयर करने का परफेक्ट टाइम होता है। एरिन फ्रेशी, अ कैलिफोर्नियन मॉम, उन्होंने टेड टॉक शो देखकर और सुनकर अपने बेटे के साथ के अपने स्टोरी टेलिंग टाइम के रिच्यून को बदल दिया। उन्होंने खुलासा किया कि एक ही समय में सीखते हुए उन्होंने अपने बेटे के साथ मजबूत बॉन्ड बनाया और बाद में उनके हस्बैंड भी उनसे
से जुड़ गए। सो नाउ एक फैमिली रिचुअल बन गया है। अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा का भी एक डिफरेंट रूटीन है। उनकी वाइफ मिशेल ओबामा बताती है कि सोने से पहले वे एक दूसरे को परिवार के बारे में जो दिनचर्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। ये वो समय है जब वे अपनी पर्सनल बातें करते हैं जो उनके बंधन को कपल और फैमिली के रूप में मजबूत करता है। याद रखें कि आप हार्ड वर्क क्यों कर रहे हैं। आपके मूल्यवान लोगों के लिए कुछ मूल्यवान समय निकालें, चाहे वह आपके पति पत्नी बच्चे माता पिता या यहाँ तक कि आप स्वयं भी क्यों ना हो। काम बाद में भी किया जा सकता है, बट आप जिन लोगों को प्यार करते हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि आप ये टाइम कभी भी वापस भरने में सक्षम नहीं होंगे। कल कुछ भी निश्चित नहीं है, आज वे यहाँ है और कल हमेशा अनएक्सपेक्टेड है। 9. Say your personal evening convention. Is the repetition of affirmation that needs to be new. And once that belief become a deep conviction, things begin to happen. Muhammad Ali. यह पुष्टि की पुनरावृत्ति है जो विश्वास की ओर ले जाती है, और एक बार यह विश्वास एक गहरी दृढ़ता में बन जाता है, चीजें होने लगती है। अपने माइंड में हैवी थॉट के साथ सोने की कोशिश न करें। कृपया हेडेक से बचे। अपने दिन को ग्रेट शेप देके फिनिश करने के लिए जब आप सोने जा रहे हो तब अपने आप को पॉजिटिव थॉट के बारे में याद दिलाएं। डॉक्टर वेन डायर सोने से पहले पर्सनल डिक्लेरेशन से या डेली रिमाइंडर से अपने आप को प्रोग्राम करना पसंद करते हैं। वह अपने सभी आई एम स्टेटमेंट को सकारात्मक चीजों के बारे में खुद में को बताते हैं जो सबकॉन्शियसली उनको पालन करने में उनकी हेल्प करता है। उन्होंने अपने बेड के पास सिर पर उनको याद दिलाने के लिए ह्यूज साइन लटकाया हुआ है, एक पावरफुल ट्रिगर जो उनके पिछले दिन को पॉजिटिवली खत्म करने में उनकी मदद करता है। पावरफुल वर्ड्स या फिर कॉट के बारे में सोचें जो आपको पसंद हो। इसे अपने माइंड में रिपीट करें, इसे अपनाएं, इसे अपने स्पिरिट में फील करें, इसे अपने ब्रेन में सेटल होने दें और अपने सपने और अपने सबकॉन्शियस में चमत्कारों को पॉजिटिव चीजों में बदलने के लिए छोड़ दें। 10. Unleash your imagination. Imagination is the beginning of creation. You imagine what you desire. You will what you imagine. And at last, you create what you will. George Bernard Shaw. कल्पना सृष्टि की शुरुआत है। आप कल्पना करते हैं कि आप क्या चाहते हैं। आप जो भी आखिर में कल्पना करेंगे आप उसे बनाएंगे। अंधेरा आपके डे ड्रीम के लिए मेलाटोनिक इफेक्ट प्रोवाइड करता है। इंस्पायरेशनल इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के साथ अपने इमेजिनेशन को एक्सप्लोर होने दें। डे ड्रीमिंग की पॉसिबिलिटी को आगे बढ़ने का चांस दें। नेच को विजिट करें और अपने माइंड में स्टोरी क्रिएट करें। सीक्रेटली अपने माइंड को जुनून के साथ विजुअलाइज करें। विजुअलाइजेशन एक मेंटल एक्सरसाइज है जिसने इतिहास में कई लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट दिए हैं। रिसर्च से यह भी पता चला है कि मेंटल एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्सरसाइज के रूप में भी इफेक्टिविटी होती है, और साथ ही साथ दोनों इफेक्टिवनेस में एक साथ बढ़ते हैं। इनफैक्ट ओलंपियंस अपने आने वाले परफॉर्मेंस की तैयारी के लिए वाइडली अपनी इमेजिनेशन का उपयोग करते थे। वे क्लियरली इमेजिन करते हुए परफेक्ट रूटीन को इमेजिन करने की कोशिश करते थे कि इसे कैसे किया जाना चाहिए। वे उन रिजल्ट की कल्पना करते थे जिनके लिए वे लक्ष्य रखते थे, इसीलिए उन्हें ऐसे नहीं लगता था कि वे कॉम्पिटिशन की रिंग में आने के बाद शुरू कर रहे हैं। स्पोर्ट फिजियोलॉजिस्ट निकोल डिक ने कहा है, जितना अधिक एथलीट पूरे पैकेज की कल्पना कर सकता है उतनी ही बेहतर होगा। सो दोस्तों, ये थे बाकी के 6 टॉपिक्स। सो कंक्लूजन ये है कि इनमें से एक या दो को भी आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो इससे आपको बहुत ही अच्छी मदद मिल सकती है। यह आपको अननेसेसरी स्ट्रेस से बचाएगा जो मॉर्निंग को बिजी बना देता है। आप खुद को काबू में रख पाएंगे, आप रिलैक्स फील करेंगे। मॉर्निंग रूटीन न होने के लिए आपको सॉरी फील नहीं होगा, इसके बजाय आप अपने लिए सबसे बेस्ट काम करने लगोगे। आपका ब्रेन रात में पॉजिटिवली रेस्ट करेगा। आपके पास कल की क्लियर डायरेक्शन होगी। आप आगे नई सुबह को गने लगाने के लिए तैयार रहेंगे। आप ग्रेटर अपॉर्चुनिटी और प्रोडक्टिविटी देखेंगे। आप अपने सिस्टम में प्रवेश करने वाली मोस्ट पॉजिटिव एनर्जी महसूस करेंगे, ऑल बिकॉज यू प्रिपेयर द नाइट बिफोर। सो दोस्तों, ये वीडियो में सिर्फ इतना ही। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो आगे भी शेयर करें और लाइक करें। सो थैंक्स दोस्तों।